आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तब एक ही जगह पर मिलेगा सभी कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, सरकार ला रही है नया पोर्टल। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए अब आपको जो है ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल जल्द ही सभी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को जो है अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सिंगल विंडो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज यानी NHCX के माध्यम से जो है उसका प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। इसे क्लेम निपटाने का प्रोसेस जो है तेज हो जाएगा। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी जो NHA जो है उसके द्वारा विकसित ये जो पोर्टल जो है इस पर फिलहाल जो है इसका ट्रायल चल रहा है। सूत्रों ने कहा है कि लॉन्च के समय से ही जो है पोर्टल पूरे भारत में उपलब्ध होने की संभावना है। वही सरकार ने शुरुआत में लगभग 50 इंश्योरेंस कंपनियां और 250 अस्पतालों को इसे जोड़ा है। धीरे धीरे जो है अधिक अस्पताल और इंश्योरेंस प्रोवाइडर इसमें जो है शामिल होंगे। वही NHA ने यहाँ पर बताया कि इस पोर्टल को तैयार करने से पहले तमाम इंश्योरेंस कंपनी और अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ जो है मीटिंग की, इसके बाद जो है यहाँ पर इस पोर्टल को जो है तैयार किया गया। वही इंश्योरेंस कंपनियों के पास जो है अलग अलग पोर्टल है जिससे अस्पताल और मरीजों को दूसरी पार्टियों के लिए क्लेम निपटान करना जो है बोझिला काम हो जाता है। ऐसे में सरकार का जो ये पोर्टल जो है शुरू हो जाएगा तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ही लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस जो है लोगों के यहाँ पर होंगे और अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनियां इसी प्लेटफॉर्म पर चेक करेगी और इसे क्लेम प्रोसेस में जो है वो तेजी यहाँ पर इसमें आएगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यूपी में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय अब देना होगा दहेज का वितरण, सरकार ने जारी किए हैं आदेश। उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र बनाते समय जो अब वर वधु को दहेज का भी जो है विवरण जो है इसमें देना होगा। वही संबंध में जो है शासन ने जो है निर्देश जो है जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए हजारों की तादाद में आवेदन किए जाते हैं। नियमों के मुताबिक वर वधु पक्ष की ओर से जो है विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं। अब इनके साथ दहेज का शपथ पत्र को भी जो है इसमें अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए जो है कार्यालय नोटिस भी यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी कार्यालय में नोटिस भी लगा दिया गया है। वहीं इस शपथ पत्र में शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्यौरा जो है देना होगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए, फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन आ गई है नजदीक, इस तारीख तक निपटा लें काम। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय ने जो है नागरिकों को आधार अपडेट करने की जो मुफ्त में सुविधा जो है वो यहाँ पर जो दी है उसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है। दरअसल उदय ने जो है 10 साल या से पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने की सलाह दी है और उसे प्रोत्साहित करने के लिए जो है नागरिक को मुफ्त में ऑनलाइन आधार अपडेट करने की फैसिलिटी जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो प्राधिकरण जो है उदय वो ये सुविधा दे रहा है। फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा माई आधार पोर्टल पर है। माई आधार पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड आप आसानी से फ्री में अपडेट कर सकते हैं। वह उदय ने आधार को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ाया है। पहले डेडलाइन 14 मार्च थी, अब उसको जो है 14 जून कर दिया गया था। अगर आप मुफ्त में अपना आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो 14 जून तक इसे ऑनलाइन पूरा कर लें। भाई माय आधार ऐप के माध्यम से जो आप इसे अपडेट को यहाँ पर कर सकते हैं। भाई आधार कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसमें जो है व्यक्ति का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस और बायोमेट्रिक डिटेल्स जानकारी जिसमें दर्ज होती है। इसका इस्तेमाल हर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पर इसमें कार्यों में किया जाता है। बैंक खाता खुलवाने में इसका काम आधार का होता है। ऐसे में आधार अपडेट रहना आवश्यक है। अगर आप भी ऑनलाइन माध्यम से अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको जो है उदय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी इसमें विजिट करना होगा और या फिर माई आधार ऐप को डाउनलोड करके वहां जाकर अपने आधार कार्ड को आसानी से जो है अपडेट कर सकते हैं। तो ये सभी आधार कार्ड धारकों के लिए जो है ये जरूरी खबर निकल के सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है गूगल पे को लेकर बड़ी खबर देखिए। गूगल पे लेकर आया है धमाकेदार फीचर, अब बिना बैंक अकाउंट के पैसे कटे भी कर सकेंगे आप पेमेंट। गूगल पे ने ऑनलाइन पेमेंट को सुरक्षित और सुविधाजनक और फायदेमंद बनाने के लिए 3 नए फीचर लॉन्च किए। ये फीचर अभी सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो गूगल पे आपके लिए खरीदारी को और भी फायदेमंद बनाने जा रहा है। अब गूगल पे दिखाएगा कि आपके कार्ड को पेमेंट करने पर ज्यादा बेनिफिट कौन से मिलते हैं, किस कार्ड को आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा जो डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। वह इस तरह आप सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले कार्ड को जो है चुन सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप चुन सकते हैं। वह कई बार ऑनलाइन पेमेंट करते समय हमें डिटेल को बार बार भरना पड़ता है, इसे आसान बनाने के लिए गूगल पे ने बाय नाउ पे लेटर जो है ऑप्शन को और ज़्यादा वेबसाइटों पर और ऐपों पर उपलब्ध करा दिया। इस ऑप्शन से आप अभी सामान खरीद सकते हैं और पेमेंट जो है बाद में कर सकते हैं। यहाँ पर जो बाय नाउ पे लेटर की सुविधा जो इसमें दी गई है, ये क्रेडिट कार्ड शॉपिंग के फायदे और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की जैसे जो है यहाँ पर आपको इसमें मिलेगा।
वही अब आप ज्यादा वेबसाइट और एप्स पर गूगल पे के बाय नाउ पे लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको मौजूदा बाय नाउ पे लेटर सर्विस को लिंक करना होगा, फिर शॉपिंग करते वक्त सपोर्टेड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पर चुनना होगा। इसके अलावा गूगल पे ने जो है साल शुरुआत में जो है जीप और एफएम जैसी जो बाय नाउ पे लेटर सर्विस को देखने की दिखाने की यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना आपको ऐसी खबरें मिलती रहें।